देखिए अभी मोटो की तरफ से नया स्मार्टफोन आया है मोटो G04 और इन्फिनिक्स की तरफ से भी नया स्मार्टफोन आया है इन्फिनिक्स हॉट 40i। दोनों ही स्टार्टिंग रेंज का स्मार्टफोन है और ये दो बवाल मचा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। करेंगे कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन का, देखेंगे इनमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। दोस्तों मोटो G04 का हमने कंपैरिजन रेडमी A3 और इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD के साथ भी पहले किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप ये वीडियो देखने के बाद वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों डिजाइन आपके हिसाब से, आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है आप चूज करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं, दोनों का जो डिजाइन दिया गया है वो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा डिजाइन अच्छा लुक्स मिल जाएगा इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। दोनों में आपको सेम टू सेम 6.6 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 90Hz रिफ्रेश रेट मिल रहा है, पंच होल कैमरा दिया गया है, 500 nits का करीबन आपको ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले दोस्तों सेम टू सेम ही दिया गया है। सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको प्रोसेसर दोनों में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, Uniswap T606 का, जो कि दोस्तों अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा अलग होने वाला है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे Moto G04 में मिल रहा है Android 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अच्छा है दोस्तों, लेटेस्ट Android मिल रहा है। लेकिन यहां पे Infinix Hot 40i में आपको मिल रहा है Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मेरे हिसाब से 14 होता तो अच्छा होता, लेकिन 13 भी है, कोई बुरा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर हम स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें तो मोटो में आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB 64GB 8GB 128GB, लेकिन यहां पे Infinix में थोड़ा ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट दिया गया है दोस्तों, 8GB RAM with 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। ये स्टोरेज बढ़ने के वजह से दोस्तों परफॉर्मेंस में भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। यहां पे दोस्तों आपको मोटो में रियर में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और एक ALS दिया गया है, जो कि अच्छी है दोस्तों, डिसेंट क्वालिटी का फोटो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम इन्फिनिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है विद सेम AI लेंस, तो फोटोग्राफी यहां पे थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 40i में आज कंपेयर टू मोटो G04। फ्रंट कैमरा भी दोस्तों सेम सीन है, यहां पे मोटो में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जबकि यहां पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है इन्फिनिक्स हॉट 40i में। आप ऐसा मत सोचिएगा कि 20-30 हज़ार के फोन में 32 मेगापिक्सल जैसे परफॉर्मेंस करता है, यहां पे भी वैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों। बेस मॉडल है दोस्तों, स्टार्टिंग रेंज का स्मार्टफोन है, तो 32 मेगापिक्सल तो दिया गया है, लेकिन जो फोटो क्वालिटी है उतना अप टू द मार्क नहीं आएगा। हालांकि ये जो डिसेंट 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे बहुत अच्छा आएगा, लेकिन एक नॉर्मल 32 मेगापिक्सल का कैमरा जो आपको हाई एंड फोन में देखने को मिलता है वैसा परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा। तो सिर्फ मेगापिक्सल को देख के आप मत सोचिए कि आपको वाव वाला एक्सपीरियंस होने वाला है फोटोग्राफी में। उसके अलावा दोनों में आपको 5000mAh की बैटरी मिल रहा है, 12 4G वोल्टी दिया गया है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इन सब के चलते अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोटो G04 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट जिसका कीमत है 6999 रुपीज, और दूसरा है जो 8GB RAM with 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसका कीमत है 7999 रुपीज। और यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 40i में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है 8GB RAM with 256GB इंटरनल स्टोरेज जिसका कीमत है दोस्तों 9999 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपए, लेकिन आपको इसमें 1-1.5 हज़ार रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। तो ये करीबन आपको 8,500 में मिल जाएगा, अगर मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है दोस्तों आपके लिए। अगर नहीं मिलता है, 1-1.5 हज़ार ज्यादा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टोरेज अच्छा मिल रहा है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो डेफिनेटली मैं कहूंगा दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 40i की तरफ आप जाइए रादर देन मोटो G04। तो यही सब था इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।